दोस्तों मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोगों ने SBI में एक नया अकाउंट खुलवाया है, आप लोगों ने बैंक में जाके खुलवाया है या आप लोगों ने ऑनलाइन खुलवाया है, तो यहाँ पर अब आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो SBI अकाउंट का जो पासबुक है वो आपको कब तक मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों ने अपना अकाउंट खुलवाया, चाहे वो ऑनलाइन हो गया चाहे वो ऑफलाइन हो गया, लेकिन आपका जो पासबुक है अभी तक आपको नहीं मिला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आप लोग को जो है जानने को मिलेगा कि आपके जो SBI का जो पासबुक है वो आपको कब तक मिल जाएगा। तो गाइस चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है सोनू कुशवा और आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के। दोस्तों जो SBI का अकाउंट होता है वो आप लोग दो तरीके से खुलवा सकते हैं। एक तो आप लोग जो है ब्रांच में जाके खुलवा सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन खुलवा सकते हैं, और एक जो खाता होता है वो आप लोग ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से कंप्यूटर से खोल सकते हैं। गाइस जब आप लोग अपने मोबाइल से खोलते हैं घर बैठे कंप्यूटर से, तो आप लोग जो है यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करते हैं और आप लोग अपना जो वीडियो कॉल के माध्यम से KYC करते हैं, तो आप लोग का जो अकाउंट नंबर है वो आपको जो प्रोवाइड कर दिया जाता है, अकाउंट नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है और IFSC कोड भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। लेकिन आपको जो आपका जो SBI का जो पासबुक होता है वो आपको तुरंत नहीं मिलता है। इसके लिए आप लोगों को जो है वेट करना होता है, और जैसे ही आप लोग अपना खाता ऑनलाइन खुलवाते हैं तो आप लोगों ने जौन सा अपना ब्रांच सेलेक्ट किया था उस ब्रांच में आपको जो है कॉन्टैक्ट करना होता है, और आपका जो पासबुक है ब्रांच वाले तुरंत ही आपके जो पासबुक होती है वो छाप के आपकी प्रिंट करके आपको दे देते हैं। गाइस ये प्रोसेस कोई जो है ज़्यादा जो है टाइम नहीं लगता। इस प्रोसेस में आपको बस ब्रांच में जाना होता है और आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो आप लोग को लेके जाना होता है, और अपना जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आप लोगों ने जिस डॉक्यूमेंट से अपना खाता ऑनलाइन जो है खोला था, वो डॉक्यूमेंट आपको बैंक में लेके जाना होता है, और आपका जो पासबुक है वो पासबुक आपको जो है मिल जाता है। अब गाइस दूसरे प्रोसेस में आप लोगों ने जो है खाता अपना ऑफलाइन बैंक में या ब्रांच में जाके खुलवाया है, तो उस कंडीशन में आपका जो पासबुक है वो तुरंत ही आपको मिल जाता है। लेकिन होता क्या है कि काफ़ी जो है यहाँ पे बैंक के कर्मचारी होते हैं वो आपको पासबुक तुरंत नहीं देते हैं, क्योंकि गाइस कुछ जो है इंटरनेट का कनेक्शन का इशू बता देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाता है तो पासबुक प्रिंट करने का जो ऑप्शन है यहाँ पे बैंक में अवेलेबल हो जाता है और उनको जो प्राप्त हो जाता है, तो वो उस कंडीशन में आपका जो जो पासबुक होता है वो प्रिंट करके आपको दें या ना दें वो उनके ऊपर है, लेकिन आपको उनको रिक्वेस्ट करना होता है कि मेरी पासबुक जल्दी दे दीजिए। लेकिन यहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि कल आइए, परसों आइए, या 4 दिन बाद आइए, या 1 हफ्ते बाद आइए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने जैसे ही अकाउंट खुलवाया है ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपका जो पासबुक है वो तुरंत का तुरंत प्रिंट करने का जो ऑप्शन मिल जाता है, और बैंक जो है आपका जो पासबुक है तुरंत ही प्रिंट करके आपको दे सकती है। लेकिन वो आपको जो तुरंत नहीं देती है, और कई जो बैंक होती हैं SBI की जो ब्रांच होती हैं उनके जो कर्मचारी होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो वो पासबुक तुरंत ही प्रिंट करके वो दे देते हैं। और काफ़ी जो बैंकों में भीड़ की वजह से जो है मैनेजर होते हैं और कर्मचारी होते हैं वो आपको जो है पासबुक प्रिंट करके नहीं देते हैं, तो आपको जो है ज़्यादा ज़रूरत है पासबुक की, तो आप लोग उनको रिक्वेस्ट करना होगा और जो पासबुक है वो आपको तुरंत ही प्रोवाइड कर देंगे। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो जरूर से एक लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आएँ, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज़ हो सके तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसे जरूर से प्रेस कर लेना, जो कि मैं जब भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ तो उसके नोटिफिकेशन तुरंत से आप लोगों को मिल जाए। सो गाइस यही फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।